अस्सलामुअलैकुम जो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग होंगे ठीक ठाक और मज़े में होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे इस्लामाबाद के तमाम व्लॉग्स अच्छे लग रहे होंगे और आप लोग इन्जॉय कर रहे होंगे उनको ज़्यादा से ज़्यादा। तो मेरी भी कोशिश थी कि मैं आप लोगों को जितना जो है वो मैंने एक्सप्लोर किया वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि मैं ज़रा आपको दिन में तो काफ़ी मैंने आपको इस्लामाबाद दिखाया है, तो ज़रा आप रात की रोशनियाँ भी दिखाएँ कि रात में इस्लामाबाद शहर कैसा लगता है। तो जैसे कराची है वैसा तो नहीं है, वो बात तो नहीं है, लेकिन फिर भी बस गुजारा लायक है। पीसफुल सिटी है भाई, लोग भी काफ़ी पीसफुल हैं। तो हम भी जस्ट थोड़ी सी, मुझे थोड़ी शॉपिंग करनी थी तो मैं मॉल विज़िट कर रही थी। तो है काफ़ी बड़ी बड़ी, जैसे मैंने आपको चीज़ें बताई हैं कि शॉप्स बहुत बड़ी हैं, ब्रांड्स ने बहुत बड़ा जो है वो बनाया। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बीच ट्री का एक बहुत बड़ा जो आउटलेट है वो है यहाँ पर। उसके अलावा सफायर, इस तरह काफ़ी बड़े बड़े आउटलेट्स हैं, लोग हैं काफ़ी, लेकिन इतना रश नहीं है। यहाँ पर आपको बस तो मिलेगी नहीं, हर एक ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट मतलब नहीं है, प्राइवेट ही सबके पास गाड़ियाँ कार्स वगैरह हैं। तो मतलब कह सकते हैं कि गरीबों की सिटी इस्लामाबाद नहीं है। सो अब नेक्स्ट डे स्टार्ट हो चुका है और मैंने कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग की थी रात में। अच्छा, अभी नेक्स्ट डे में क्या है कि आज मेरा लास्ट डे है, जैसे कि आपको व्लॉग में पता चल गया होगा, टाइटल से पता चल गया होगा मेरा लास्ट डे है। और मैंने जो है अपना सारा जो है चीज़ें वगैरह समेट ली थी रात में ही, अपनी सारी पैकिंग डन कर ली थी और अब मैं जो हूँ वापस जा रही हूँ अपने शहर यानी कि इस्लामाबाद से, अब जा रही हूँ कराची। बहुत खुशी थी, मज़ा आया मुझे एक्सप्लोर करने में, चीज़ें मज़ा आता है तो मुझे मज़ा आया एक्सप्लोर करने में इस्लामाबाद को। और दिस इज़ माय आई थिंक थर्ड टाइम, तो ये मेरा थर्ड टाइम है लेकिन मैंने इसमें आप लोगों से चीज़ें शेयर की हैं तो मुझे बहुत मज़ा आया है। और जो है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि अभी भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बन रहे हैं इस्लामाबाद में भी, और काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं। तो बस जस्ट मैंने थोड़ा सा आप लोगों के लिए जाते हुए भी कैप्चर कर लिया, क्योंकि मैंने जो है वो क्योंकि मतलब मैं अपने काम से घर से बताई थी तो मैंने जितना हो सका, जितना टाइम निकल सका उस हिसाब से आप लोगों के लिए चीज़ें कवर की हैं। अच्छा, मुझे जो है ना इस्लामाबाद ऐसे लग रहा है जैसे मतलब इतनी ज़मीन पड़ी है, यहाँ पर इतनी ज़मीन है, रोड इतने खुले खुले हैं, ट्रैफिक ज़्यादा नहीं है, लोगों का झंझट और शोर ज़्यादा नहीं है। मतलब बहुत ही अच्छी सिटी है, मुझे पर्सनली पसंद है। लेकिन जैसे कराची में हम लोगों ने बहुत शोर शराबा देखा हुआ होता है और जगह नहीं है, यहाँ से गाड़ियों के गुजरने की जगह नहीं होती तो, और जगह जगह पे लोगों ने घर बनाए हुए हैं, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर बहुत खुली स्पेस है, दूर दूर चीज़ें बनी हुई हैं और अगर जो बनी हुई है वो भी बहुत बड़ी बड़ी बनी हुई हैं। मतलब कि उन्होंने, मुझे ऐसा लगता है जैसे मतलब वो कर लिया हुआ है कि बस जगह को फुल कर रहे हैं उसको। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैं एयरपोर्ट के लिए जा रही हूँ और बाहर का व्यू आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, साथ अपना जो है वो एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि काफ़ी मज़ा आया है, वेदर अच्छा था। वेदर तो खैर इस्लामाबाद में ऑल टाइम अच्छा रहता है, मैंने कभी नहीं सुना कि यहाँ पर गर्मी हुई है। गर्मियों में भी वहाँ पर काफ़ी अच्छा मौसम रहता है, प्लेजेंट वेदर रहता है। तो यहाँ पर अब आप लोग देख सकते हैं कि काफ़ी ग्रीनरी है, हमारे शहर कराची से तो ग्रीनरी का नामो निशान ख़त्म हो चुका है। जब भी जो है वो हम जो है ग्लोबल वार्मिंग को फेस कर रहे हैं, इतनी गर्मी और स्टिल अभी भी पता चल रहा है कि कराची में बहुत गर्मी है और जो बारिश होती है उसके बाद तो शदीद हब्स हो जाता है। मतलब इस दफ़ा इतनी शदीद जो है गर्मी पड़ी है कि मुझे तो लग रहा है रिकॉर्ड ख़त्म हो गए हैं, रिकॉर्ड टूट गए हैं, क्योंकि बिल्कुल दिमाग में जाने वाली गर्मी थी ये। और अब जाके देखेंगे कि कैसा मौसम है वापस, क्योंकि भाई मैं तो जिस हालत में छोड़ कर आई थी कराची वो तो मतलब ऐसे था, ब्लास्ट हो रहा था दिमाग में गर्मी का। और अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैं अपने जहाज़ पर बैठ चुकी हूँ और मैं अपने शहर वापस जा रही हूँ। और काफ़ी जो है मज़े की फ़्लाइट थी मेरी ये भी, वापसी की फ़्लाइट भी काफ़ी मज़े की थी और जो है काफ़ी क्या है कोऑपरेटिव अमला था, लेकिन कोऑपरेटिव क्यों नहीं होगा जब इतनी महंगी टिकट्स हैं, तो कोऑपरेटिव ही होगा। खैर जो भी है, बट ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरे तमाम के तमाम व्लॉग्स जो मैंने इस्लामाबाद में बनाए हैं वो उम्मीद करती हूँ जो थोड़े बहुत पीसेज में मैंने बनाया पसंद आया होगा और ये वाली वीडियो भी अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी है तो आपने इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो शेयर करना है और मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ ही बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करना नहीं भूलिए, क्योंकि अगर आप उसको प्रेस नहीं करेंगे तो मेरी न्यू आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको रिसीव नहीं होंगे, तो आप लोगों ने उसको ज़रूर प्रेस करना है। और आज के लिए इतना ही था, अब जो है क्योंकि मैं बहुत थक चुकी हूँ, मेरे बहुत हेक्टिक डेज थे यहाँ पर इस्लामाबाद में, तो अपने शहर जाएंगे और खूब आराम करेंगे और फिर अपनी लाइफ को दोबारा से स्टार्ट करेंगे। ओके, बाय बाय।